हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। शुरू करेंगे पत्थलगांव का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक कार ने कई लोगों को रौंदा है। यहां पर 16 से ज्यादा लोगों को कार ने रौंदा है, ये खबर आ रही है। वहीं एक की मौत भी इस पूरी घटना में हुई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। वहीं नाराज लोगों ने थाने का घेराव भी किया है। जब्त कार से गांजा भी बरामद किया गया है। मृतक के शव को इंदिरा चौक पर रखकर प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। बता दें कि पत्थलगांव थाने के ASI के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। तो बड़ी खबर पत्थलगांव से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार ने 16 से ज्यादा लोगों को रौंदा है और इस पूरी घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जो कार थी उस जब्त कार में से गांजा भी बरामद किया गया है। ज़रा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे खबर पर? जी, ये आज दोपहर की घटना है और आज दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था शहर में, और इस दौरान थाने के सामने से एक दुर्गा पंडाल की दुर्गा समिति वाले अपनी दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए निकल रहे थे। इस दौरान एक पीछे से एक कार आती है और कार ने उनके सामने से कई लोगों को रौंद डाला और काफी स्पीड में थी, और इस रौंदे से एक युवक की वहीं घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। ये 20 साल का टिलुन अग्रवाल नाम का युवक था, और इसी दरमियान 17 लोग और घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों को रायगढ़ में रेफर कर दिया गया है। उनको गंभीर चोटें थी और अभी वो शव को लेके इंदिरा चौक पे प्रदर्शन किया जा रहा है और तीनों शहर के मुख्य मार्गों पर चक्का जाम कर दिया गया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमेश।